श्री महेश पोद्दार जी, सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो इस अति महत्वपूर्ण बिल पे मुझे बोलने का मौका दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ स्टेट बैंक के साथ में मैं भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि जिस ज़माने में कई बैंक, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो या प्राइवेट बैंक, तो बहुत ही कम थी आज से 40 साल पहले। तो शुरुआती दौर पे यदि किसी बैंक ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मदद की थी तो वो स्टेट बैंक था। महोदय, छोटी जगहों में, पिछड़े इलाकों में स्टेट बैंक की स्थिति एक बड़ी अजीब है। इसे लोग सरकार ही मानते हैं, उनके लिए कानून की परिभाषा बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं उनको, वो इसे रिजर्व बैंक ही मानते हैं। और वो मानते हैं कि स्टेट बैंक से काम करना और रिजर्व बैंक से काम करना या सरकार से काम करना एक ही जैसा है। और इनकी ओनरशिप का मामला भी कुछ कुछ बड़ा अजीब सा है, जैसे मोनालिजा की मुस्कान के बारे में रहस्यमय है कि इसको कुछ लोग सरकारी बैंक मानते हैं, कुछ लोग इसको निजी बैंक मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह इतना बड़ा बैंक है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक हो, लेकिन हकीकत कुछ वैसा नहीं है। महोदय, ये सही है कि बैंकों के विलय से संबंधित यह पहला मामला नहीं है, और 1927 में अंग्रेज़ों के ज़माने में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को मिलकर एक इम्पीरियल बैंक बनाया गया था, और उसके बाद में आज़ादी के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अतः बैंकों की विलय की परंपरा चली आ रही है और दिनों दिन ये बैंक मजबूत होता जा रहा है। अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा और चिंता व्यक्त की कि क्या स्टेट बैंक में विलय के बाद में ये बैंक कमज़ोर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी आशंका निराधार है, कमज़ोर होने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी आशंका की कि उनके बैंकों के डिपॉजिट गायब हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी विलय हो चुका, काम चल रहा है, डिपॉजिट भी सुरक्षित है, उनके कर्मचारी भी सुरक्षित हैं, सब सारे जिन स्टेक होल्डर हैं सब के सब सुरक्षित हैं, कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में इन विलय से शायद हमें एक ऐसी सीखा मिलेगी, एक उदाहरण मिलेगा, जब हो सकता है कि विलय के मामले में हम और अधिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि विलय उचित है या नहीं है। महोदय, रजवाड़े चले गए लेकिन उनके बैंक नहीं गए थे, अब समय आ गया है कि उनके बैंक चले जा रहे हैं और स्टेट बैंक में मिल रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जयराम रमेश जी ने बात सही कही कि ये 5 बैंक के 11,800 करोड़ का नुकसान और स्टेट बैंक का मात्र 10,000 करोड़ का फ़ायदा, ये बड़ी विडंबना थी कि एक बैंक जिसकी और सब शाखाएँ हैं वो नुकसान कर रही है और वो खुद प्रॉफिट कर रहा है और उस पर इनकम टैक्स भी दे रहा है। तो ये एक विडंबना की स्थिति थी और उसको दूर करना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक था। महोदय, कंसोलिडेशन और बैंकों की ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया भर में प्रयास होते रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हम इस विलय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महोदय, पूरे विश्व में बैंकिंग क्षेत्र में कुछ नई ज़रूरतें महसूस हो रही हैं। टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, तकनीकी के बहुत सारे नए नए तरीके निकल रहे हैं, नए नए आयाम खुल रहे हैं, और उसके कारण बैंकिंग करने का तरीका और बैंकिंग सेक्टर से अपेक्षाएं भी बहुत सारी बदल रही हैं। और अब बैंकिंग क्षेत्र के नियम कानून जब बदल गए तो रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। महोदय, बैंकिंग का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जहाँ लोन है वहाँ खतरा भी होगा, यह बैंकिंग बिजनेस का एक हिस्सा है जिसे हम नकार नहीं सकते। हाँ, बदलते वक्त के साथ इस का रूप बदलता है, इसकी मात्रा बदलती है, इसका वॉल्यूम बदलता है, और ये एक फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर और इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बदल गई है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सारे विश्व के बैंक 2008 का मेल्टडाउन के बाद में स्पष्ट हुआ था कि भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री को उस समय भी मजबूत बैंकिंग इंडस्ट्री कहा गया था और लोग स्वीकार करते थे कि SBI के रिस्क मैनेजमेंट का तरीका, क्षमता
और उनका आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है वो और बैंकों की तुलना में काफ़ी मजबूत और मॉडर्न है। महोदय, ये स्टेट बैंक इतना बड़ा बैंक है और इसकी अनुसंगी बैंकों को हम जोड़ लें तो हम देखेंगे कि शायद इसकी पहुंच देश के कोने कोने तक है, और इसके बावजूद, इतनी शाखाओं के बावजूद, इसमें अगर हम ये कहें कि बरसों पहले एक घोटाला हुआ था दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में, एक फ़ोन कॉल पे पैसे निकल गए थे, तो इस तरह के बहुत सारे घोटाले कम हुए हैं स्टेट बैंक में इतनी बड़ी होने के बावजूद। ये एक संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, चिंता का विषय ये है कि आज के दिन में जब बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं तो हमको ये भी सोचना है कि हम उद्यमिता को भी नहीं मारें। एक ब्लैंकेट कह देना बहुत आसान है कि बड़े लोगों को लोन मत दो, ये भाग जाते हैं, लेकिन महोदय, लाखों लोगों ने लोन लिया है और भागे हैं चंद कुछ लोग, लाखों लोग उद्यमिता का परिचय दे रहे हैं। कृपया हम जब इस पे बात करें तो उन लाखों लोगों की बात करें जो अपनी उद्यमिता से इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, हम उनकी ओर भी देखें। और जब ये शब्द और एक ब्लैंकेट सब के लिए कहा जाता है तो उन पर क्या गुजरती होगी, उनकी सदनीयति पे क्या गुजरती होगी, हम इस बात को भी अवश्य देखें। महोदय, मैं तो समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने में यह विलय फायदेमंद होगा। यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 4-5 बड़े बैंक होते हैं किसी देश में, और अपने यहाँ 27 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, और बहुत सारे निजी बैंक हैं, नॉन फाइनेंस बैंक हैं, लोकल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं। और जो बैंकों की विश्व की अच्छी सुविधाओं को नीचे तक पहुँचाने में कितना सफल हो रहे हैं, ये एक इसका आकलन होना चाहिए। और महोदय, जब ये बात होती है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय पे विचार हो रहा है, और जब ये बात होती है कि पता नहीं कहाँ से ये बात हो रही है कि स्टेट बैंक का निजीकरण कर दिया जाएगा, मैं भी कुछ जानने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। महोदय, मेरे ख्याल से आज तक स्टेट बैंक के विषय में निजीकरण का कोई प्रस्ताव या कोई चर्चा कहीं नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। महोदय, ये भी समझना होगा कि विलय से एकीकृत SBI की ताकत में क्या इजाफा होगा। यह विलय के बाद करीब 37 लाख करोड़ की परिसंपत्ति के आधार पर दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में शामिल हो जाएगा, और इसकी संख्या तो ग्राहकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, कर्मचारियों की संख्या भी 2,70,000 हो जाएगी। एंड यस, इट इज़ अ चैलेंज टू मैनेज सो मैनी ऑफ एम्प्लॉयज। लेकिन स्टेट बैंक के साथ में एक विशेषता और है महोदय, कि इसके जो हर स्टेट के जो लोकल बोर्ड हैं, और जो बात हो रही थी स्थानीयता के बारे में, तो स्थानीयता का तड़का वो लोकल जो बोर्ड होते हैं वो देते हैं, जो स्थानीय नीति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ कुछ अपने नीतियों को, अपने लोकल फ्लेवर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अपने बैंकों में। महोदय, कुछ सावधानियों की भी दरकार है कि क्या नई इकाई अपने खर्चों में कटौती और सहयोजन को तभी अमल में ला सकती है जब सहयोगी बैंकों के कोष का विलय भी कर दिया जाएगा। हम सब अपेक्षा करते हैं कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट बैंक में तेजी आए, ताकत आए, और जो नुकसान हो रहा है वो कम हो, खर्चा कम हो। अभी हमारे मिस्त्री साहब ने कहा कि एक बैंक का ब्रांच स्टेट बैंक पटियाला बंद हो गया। ये सही है कि जब खर्चे कम करने की बात हो रही तो कुछ ब्रांच बंद होंगे, लेकिन उन्होंने एक बात और कही जिस पे हमको गौर करना है कि उसके कर्मचारी निकाले नहीं गए, उसके कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके सारे स्टेक होल्डर, डिपॉजिटर्स, ग्राहक, एम्प्लॉयज़, सारे लोग सुरक्षित रहे। तो वैसे में केवल हम विरोध करने के लिए विरोध करें, ये उचित नहीं होगा। महोदय, मैं समझता हूँ कि इस देश में जब आर्थिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था अंदर अंदर कमज़ोर हो रही थी तो उसको किसी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के नाम से दे करके ढका जा रहा था, और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जब सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया और 2015 में रिव्यू करके जो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे
खराब कर्जों को दबा देने की जो प्रवृत्ति थी उसको सामने ले आए, और मैं समझता हूं जब बीमारी सामने आ गई है तो उसका इलाज भी होगा, और मैं और इसके लिए कुछ कड़े निर्णय भी लिए जाने हैं और लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।